रुक्मणी हरण। श्री पराशर जी बोले, विदर्भ देशांतर्गत कुंडनीपुर नामक नगर में भीष्मक नामक एक राजा थे। उनके रुक्मी नामक पुत्र और रुक्मणी नाम की एक सुमुखी कन्या थी। श्री कृष्ण ने रुक्मणी की और चारुहासिनी रुक्मणी ने श्री कृष्णचंद्र की अभिलाषा की, किंतु भगवान श्री कृष्णचंद्र के प्रार्थना करने पर भी उनसे द्वेष करने के कारण रुक्मी ने उन्हें रुक्मणी न दी। महापराक्रमी भीष्मक ने जरासंध की प्रेरणा से रुक्मी से सहमत होकर शिशुपाल को रुक्मणी देने का निश्चय किया। तब शिशुपाल के हितैषी जरासंध आदि संपूर्ण राजागण विवाह में सम्मिलित होने के लिए भीष्मक के नगर में गए। इधर बलभद्र आदि यदुवंशियों के सहित श्री कृष्णचंद्र भी चेदीराज का विवाह उत्सव देखने के लिए कुंडिनपुर आए। तदनंतर विवाह का एक दिन रहने पर अपने विपक्षियों का भार बलभद्र आदि बंधुओं को सौंपकर श्री हरि ने उस कन्या का हरण कर लिया। तब श्रीमान पौंड्रक, दंतवक्र, विदुरथ, शिशुपाल, जरासंध और शाल्व आदि राजाओं ने क्रोधित होकर श्री हरि को मारने का महान उद्योग किया, किंतु वे सब बलराम आदि यदुश्रेष्ठों से मुठभेड़ होने पर पराजित हो गए। तब रुक्मी ने ये प्रतिज्ञा कर कि मैं युद्ध में कृष्ण को मारे बिना कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा, कृष्ण को मारने के लिए उनका पीछा किया। किंतु श्री कृष्ण ने लीला से ही हाथी, घोड़े, रथ और पदातियों से युक्त उसकी सेना को नष्ट करके उसे जीत लिया और पृथ्वी में गिरा दिया। इस प्रकार रुक्मी को युद्ध में परास्त कर श्री मधुसूदन ने राक्षस विवाह से मिली हुई रुक्मणी का सम्यक वेदोक्त रीति से पाणी ग्रहण किया। उससे उनके कामदेव के अंश से उत्पन्न हुए वीर्यवान प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ, जिन्हें शंबरासुर हर ले गया था और फिर जिन्होंने काल क्रम से शंबरासुर का वध किया था।